ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। जहां भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने गरियाबंद जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा के पक्ष में जाएंगी। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा का रिजल्ट देखकर कांग्रेस में अभी आपाधापी मची हुई है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को प्रत्याशी मिलेंगे भी या नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मन से भी चुनाव हार चुकी है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और जैसा रिजल्ट आया है और जैसा कांग्रेस में अभी आपाधापी मची हुई है उसको देख करके लगता है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी मिलेंगे कि नहीं लोकसभा में, या उसके लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अभी कांग्रेस जो है मन से भी चुनाव हार चुकी है और ऐसे भी उसको लग रहा है कि लोकसभा में कहीं उम्मीद नहीं है, तो उसके लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ेगा ये भी किसी प्रकार का तय करने में उनको बहुत कठिनाई जाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।